किया है, एक अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग को गिरफ्तार किया है, जिनके पास कब्जे से 4 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं, 2 मौके से बरामद हुई और 2 निशानदेही पर बरामद हुई। इसमें जो गैंग का सरगना है बहुत ही शातिर चोर है, पूर्व में टुल्लू पंप चोरी 60 एक्साइज एक्ट के मुकदमों में जेल जा चुका है। ये मुख्यतः बस्ती जिले से मोटरसाइकिल चोरी किया करता है और फिर उसके बाद से एक मिस्त्री जो है उसकी सहायता से ये इंजन नंबर चेसिस नंबर मिटाकर दूसरी नंबर प्लेट लगाकर देहात क्षेत्र में विभिन्न जनपदों में अपने 2 रिश्तेदारों के सहारे से इन बाइक्स को बेच दिया करता है सस्ते दामों में 5,000-6,000 रुपये में, और उनके फर्जी कागज़ भी बना लेता है। इस बात पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि फर्जी कागज़ कहाँ से बनाता है, कैसे बनाता है, रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करेंगे। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से एक जो इस गैंग का सरगना है वो है, एक मिस्त्री है, इनके पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है 315 बोर का, एक पेचकस बरामद हुआ है जिससे ये इंजन नंबर 36 नंबर मिटाया करते थे, और 2 और अन्य लोग भी बरामद हुए हैं जो मुख्य आरोपी के रिश्तेदार हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जो इसकी मदद किया करते थे बाइक्स को चोरी करने में। तो बहुत ही अच्छा गैंग का है खुलासा हुआ है, इसमें हम लोग गैंगस्टर राइड लगा के कार्रवाई भी करेंगे और टीम को मेरी तरफ से 5,000 रुपये का इनाम भी दिया जाए। सर ये बेचते कहाँ थे? देखिए ये गांव में ही ये लोग बेचा करते थे मिस्त्री की सहायता से, और 2 जो अन्य लोग हैं रिश्तेदार जो हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया है उनकी सहायता से इनके पास से कुछ बाइकें बरामद हुई हैं, और बाहर दूसरे जनपदों में भी ये बेचा करते थे। रिमांड पर लेके हम लोग क्लियर करेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे कि कहाँ से एग्जैक्टली इन्होंने बाइक्स को बेचा और कहाँ से ये फर्जी कागज़ जो हैं ये इन लोगों ने बनवाए। सर इसके पहले भी एक गैंग पकड़ा गया था, क्या उनसे इनका कुछ ताल्लुक है? देखिए कई गैंग्स पकड़े जा रहे हैं, पुरानी जो घटनाएं हैं उनका अनावरण हमारे द्वारा किया जा रहा है, और यदि गैंग्स के बीच में कुछ ताल्लुक निकलेगा तो उस संबंध में हम लोग विवेचना करेंगे।